अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूँ हिना महमूद और आज हम आपकी ईद के रोज़ मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसी शख्सियात से जिनको आप सुनना चाहते हैं और करेंगे वो बातें जो आप वाकई सुनना चाहते हैं लेकिन बाकी टीवी चैनल्स पर आपको सुनाई नहीं देती। तो जानेंगे उन शख्सियात से कि कैसी गुजरी ईद, कैसे गुजार रहे हैं, मुल्की हालात क्या है और क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो आज हम ईद के रोज़ जो है ईद की बातों के अलावा जो है ना मुल्की सिचुएशन पर भी बात करेंगे ताकि हमें जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी बातें जो है वो समझ में आ जाएँ, अंदर बढ़ेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे एतजाज एहसन साहब से, लतीफ़ खोसा साहब से और लतीफ़ खोसा साहब के बेटे से। तो अंदर चलते हैं और बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है अस्सलामुअलैकुम सर, बलकशेर खोसा साहब से जो है आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। सर ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको, कैसी गुजर ईद? ईद बस जी, जो एतजाज साहब आए हैं हमारे घर, वालिद साहब आए हैं, तो जब दो बुजुर्ग आ गए तो ईद तो आपकी दोबारा हो जाती है। कुर्बानी वगैरह कर ली, डिशेज बना ली या आप कुछ बनाते हैं? नहीं, कुछ नहीं बनाते। ईद वाला दिन नहीं बनाता, बिकॉज गर्मी बड़ी है, गर्मी वाकई बहुत ज्यादा है। तो कुर्बानी वगैरह हो चुकी है, अंदर जाकर बहुत सी मजे की बातें करेंगे और वो बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं और बाकी टीवी चैनल्स पर आपको सुनाई नहीं देते। तो आज हम प्रोग्राम में बहुत ही ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो हर कोई सुनना चाहता है और आजकल तो स्पेशली सुनना चाहते हैं। ईद मुबारक सर, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अच्छी गुजर रही है और रिलैक्स्ड है और बच्चे सिर्फ हमें छोड़ के चले गए हैं तो हम अपने बुजुर्गों को मिल रहे हैं क्योंकि बच्चे वो चले गए हैं पहाड़ों पे और हम ईद मना रहे हैं। सर रिलैक्स्ड गुजर रही है, इतने स्ट्रेसफुल आजकल हालात हैं तो ईद पे कैसे रिलैक्स कर रहे हैं? बस एक आधा दिन ही रिलैक्सफुल हो सकता है ये लतीफ़ खान का और मेरा। ईद के चार तीन चार दिन जो है बस पहला एक दिन ज़रा रेस्टफुल हो जाता है, फिर मुलाकातें और ये वो, फिर वो, फिर सियासत बीच में शुरू हो जाती है, आ जाती है। लतीफ़ साहब आप बताएगा कैसी गुजर रही है ईद और क्या क्या मुतवक्के है, कोई सनसनीखेज चीज़ या खबर तो नहीं आने वाली जैसे हमेशा हैपनिंग होती रहती है आपकी तो लाइफ? और तो पता नहीं, आपको देख कर ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। देखें ईद तो बच्चों की ज्यादा होती है, ईद पर तो हम खुद कुर्बानी का बकरा बनते हैं और इस तरह से ईदी दी जाती है या बकरे ज़बह किए जाते हैं, अजीज़ व अकारब में उनको फिर बांटा जाता है, कोई कहता है ये जो है एक रान भेज दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इस मरतबा तो इतनी महंगाई है अलमान तोबा, तो 20 लाख का, 25 लाख का, यानी उनके नाम रखे हुए हैं, किसी का नाम शेर खान रखा हुआ है, किसी का नाम पता नहीं क्या है, वो देख देख के ये बैड़ी है जी, ये ऊंट है जी, ये बकरा है जी, ये इवन सर इस बार तो सियासतदानों के नाम के ऊपर बहुत से बैल और गाय बिक रहे हैं और कहा गया है कि ये फला सियासतदान उसका नाम है और फला करके लोग खुश हो रहे हैं। और कसाईयों की मौज है, पहले जब हम इतना, यानी जब अब कसाई के कोल जितना 10,000-15,000 कसाई लेता है, उस वक्त इतने में बकरा आ जाया करता है 10-15,000 में, और अब कसाई लेता है ज़िबा करने के सिर्फ जो है। और अब पहले होता था बैल में ऊंट में हिस्सा डाला हुआ, आज कल तो मैंने सुना इस दफा बकरे में हिस्सा डाल रहा है। वाकई जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है तो महंगाई के पेश नज़र तो बकरों में भी हिस्सा डाला जाएगा और नेक्स्ट मुझे लगता है कि चिकन में भी हिस्सा डालने की जो नौबत है वो आ सकती है, जिस तरीके के माशी हालात जा रहे हैं। बच्चों की ईद होती है जी, बच्चे भी मौजूद है साथ में, कैसी गुजर रही है ईद जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सो। ईद खुशी का त्यौहार होता है और खुशी मनाने का एक दिन होता है और हम बच्चों की तो खुशियाँ हमारे जब बुजुर्ग बड़े और हमारे वालदैन जब चल के आ जाए तो मेरा ख्याल है, और खासतौर पर आज चौधरी एतजाज एहसन साहब आए हैं हमारी तरफ ईद मुबारक के लिए, मिलने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि खुशी जो है वो दोबारा हो गई है। तो सर मुझे ये बताएगा कि कौन सा जानवर पसंद है कुर्बानी के लिए और कभी खुद भी कुर्बानी की, क्योंकि सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे छोटे थे हम, एक दफा कसाई नहीं मिला था तो वालिद साहब ने अपने सारों ने मिलकर इकट्ठी कुर्बानी की थी और वो मुझे याद है, और खूनो खून हो गए थे सबके कपड़े, उसके बाद हिम्मत बड़ी कुर्बानी करने की। नहीं, हमने हमने समझा कि बड़ा आसान है होता है शायद, ये देखने में लग रहा होता है ना, बहुत लग रहा होता है, और चूंकि शिकार करते हुए उस वक्त तो ज़िबा करते हुए जानवर या जो है परिंदा वो इतना मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन ये तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। वो जिस तरह कह रहे हैं, एक दिन हमने क्या किया, हमने कहा ये कोई बात है,
पहला ही जब छुरी फेरी तो खून के जो फुहारे निकले ना, और फिर जिस तरह से तड़पाया वो यूं करके गया ना, सारों के कपड़े जो है और समझ भी नहीं आती कि हो क्या रहा है। अच्छा फिर मजे की बात ये है कि फिर उसको पकड़ के दोबारा जो है जब जिबा किया तो चले वो तो हो गया खून जब ठंडा, अब इसकी खाल कैसे उतारे। अब इन्होंने कहा जी लटकाते हैं इसे दरख्त पे। अब दरख्त पे लटका के वो 50,000 दफा काटना पड़ा हम उसकी खाल को जो है बाकायदा पूरी तरह से। YouTube ट्यूटोरियल देखा आपने कोई? क्योंकि आजकल जो हमारी आवाम है वो फौरन से कहती है YouTube पे देखते हैं फौरन से क्या कुर्बानी करने का तरीका है, या बस आपने कहा जो याद है उसी के साथ ही? How to skin the goat. ऐसे ही तजर्बा किया और कोई खाल का टुकड़ा टुकड़ा हमने करके रख दिया, कहने ना फीती फीती कर देती थी उसका कोई समझ नहीं आया था बाहर गया। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, लेकिन ये हर काम जो है ना उसी को अच्छा लगता है जिसका हुनर होता है, जिसका वाकई जिसका काम हो उसी को जो है सूट भी करता है। सर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कोई कुर्बानी की हो खुद से अपने हाथों से? शिकार करते हैं? शिकार खेला है वो भी इतना ज़्यादा नहीं, पर शिकार खेला है वो तो परिंदे को ऊपर से आप यूं छुरा फेरें तो चाकू, और चाकू अक्सर बड़े शार्प होते हैं और वज़ीराबाद के शार्प चाकू शार्पन किए हुए हम ले जाया करते थे, तो वो तो उस पर तो, और वो कई दफ़ा होता है कि वो जानदार भी होता है उस वक्त के नहीं होता, अगर उसके सीने में दिल में से गोली चल गई है तो उसको बस बस जी गर्म खून कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो और फौरन से उसके ऊपर जो है छुरी चला दो। तो सर कभी खाना बनाया ईद पे या उसके अलावा? क्योंकि मटन जो है बड़े शौक से बनाते हैं मर्द हजरात भी। नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, पकाने के बदकिस्मती से कभी बच्चे करीब ही नहीं गया, कभी भी नहीं। अंडा भी फ्राई नहीं किया कभी? नहीं किया कभी नहीं किया। सर आपका कभी एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, अंडा वंडा और चाय वाय बनानी आती है, अंडा फ्राई करना भी आता है, ऑमलेट भी आता है, टोस्ट पर जो है जाम लगा कर मक्खन लगा कर। सर आपको पसंद क्या है खाने में, गोश्त में? अगर हम बकरे की बात करें क्या पसंद है? गाय पसंद है? गाय का गोश्त पसंद है? आलू गोश्त, आलू गोश्त पसंद है? मटन और आलू गोश्त पसंद है। और सबसे मजे का आलू गोश्त आपने किसके हाथ का बना हुआ खाया आज तक? सबसे मजे का अगर सोचूं तो एक ये पिंडी में रेस्टोरेंट होती थी सिल्वर ग्रिल, अब मेरा ख्याल है बंद हो गई है, राहुल पिंडी में। वो हाई कोर्ट से हम निकलते थे वहाँ बेंच, या सुप्रीम कोर्ट भी वहीं था उसी रोड पे, नया नया गया था 1980s की बात, वहाँ खाया था आलू गोश्त, वो नहीं भूलता। सर आपके एक नेबर हैं उनको भी बड़ा पसंद है आलू गोश्त, उनके साथ बैठ के खाने का कभी इत्तेफाक हुआ? वो कई मरतबा उस नेबर के साथ तो काफ़ी मरतबा हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई पकाने का वो कभी नहीं तजर्बा मैंने किया ही नहीं, पकाने वाला तजर्बा किया ही नहीं, चूल्हे के करीब ही नहीं गया कभी। और अगर पकाना ही ज़रूरी था तो फिर मैंने सादा टोस्ट लेके जिस सेकना भी उसको ना पड़े उस पर मक्खन जो जिस तरह लतीफ़ खान कह रहे हैं लगा के और इजी बीजी सा काम कर लिया, भाई मक्खन लगाओ या फिर उसके ऊपर जैम लगाओ और खा लो। बहुत इजी सा। ऐसे कुकिंग से वैसे पसंद ही नहीं थी या आपको बस आपने कहा नहीं मुझे नहीं करनी? नहीं बस उस तरफ रागे भी नहीं हुआ मैं, खुराक का मैं ज्यादा है ही नहीं, जो पका हो मैंने कभी नहीं पूछा कि क्या ये वाकया है, आप मेरी बीवी से भी पूछें कभी, ये इसका कभी मैंने ध्यान ही नहीं। आपकी वाइफ कैसा आलू गोश्त बनाती है? मे बी वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा नाम लेंगे और आपने कह दिया फिलहाल रेस्टोरेंट का अच्छा है। नहीं वो तो वो भी नहीं पकाती, कोई नहीं बनाता घर में खाना, वो भी नहीं पकाती और बहुत काम बड़ी अच्छी तरह करती है कुछ अजूबी से, पर पकाने का बस अंडा ऑमलेट कर लिया, प्याज ज़्यादा डाल दिया बीच में, कुछ टमाटर शमाटर ज़्यादा दिया, वो लजीज होता है यकीन, उबाल लिया अंडा तब भी ठीक है, पर फ्राई करना उसके लिए मुश्किल होता है। और बाकी उसकी और बहुत खूबियाँ हैं, ये कॉम्पेंसेट खाना बनाना जरूरी नहीं है, बहुत सी खूबियाँ और भी। खाना तो सादा भी खा ले आदमी पेट ही भर रहा है ना, और
मुरगन खाना चाहे तो जितना मर्जी मुरगन खा ले। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमने जो ये अरबहा डॉलर का अरबहा डॉलर्स में जो इतना कर्जा हमने अपने ऊपर ले लिया है, ये तो अपने अगली चार नस्लों ने जो कमाना है, आप लोगों ने जो कमाना है वो हम खा चुके हैं, और कर्जा आपके सर पे रख के जा रहे हैं जो हमने खा पी लिया है। हम एक बड़ी बदकिस्मत कौम है इस तरीके से, तो मुझे खाने से कोई इतनी खुशी नहीं होती। मुझे ये लगता है पता नहीं अगली नस्ल किसका मैं निवाला डाल रहा हूँ, उसको पे करना पड़ेगा। और हम बावजूद इसके बड़े फाकों में हैं। आप ये देखें कि चीन में चीनी जब इंजीनियर आए ये काराकोरम हाईवे बनाने के लिए 1960 और 1961 में, तो हमारे भी इंजीनियर वगैरह गए और वापडा वाले भी गए। तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे सेक्रेटरी वापडा, वो गए मरूम खालिद चीमा वहाँ, उनसे जब मिले तो वो पीते थे वाइट टी। उन्होंने कहा जी वाइट टी क्या है? वो उनको चीफ इंजीनियर उनका आया हुआ वाइट टी। उन्होंने कहा वाइट टी क्या है? कि सिर्फ उबला हुआ पानी 12-13 हज़ार फुट पे ठिठर रहे हैं, कोई उसमें पत्ती नहीं। उनका पत्ती नहीं डालते। उसने कहा जी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ऐसे कौम, ये तो कर्ज पर चढ़ जाएगा कौम वो और एक्सप्लॉयट करेंगे लोग। उस वक्त तक वो सिर्फ उबले हुए चावल खाते थे, एक डिश होती थी सारी चीनी कौम उबले हुए चावल, उसमें ये एक काश किसी सब्जी की भी डालने की इजाज़त नहीं थी उनको। सिर्फ कौमें फिर ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम फाके इसलिए कर रहे हैं। नॉर्वे में जाएं आज इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, पर वो आप देखेंगे कहेंगे ये किस तरह खुशहाल है। खुश हैं पर खुशहाल नहीं है। वो अपनी सारा फंड उन्होंने नेशनल फंड बनाया, नॉर्थ सी ऑयल जो उनको डिस्कवर हुआ है कुछ 30 साल पहले, वो सारा उसमें डाल रहे हैं। वो कहते हैं आइंदा के लिए हम आइंदा वाला खा चुके हैं। अगर बात करें जैसे कि आपने कहा कि मैं मुस्तरद करता हूँ इस तमाम तर एजेंडे को, जो भी बयान आया या उस शख्स का जो बयान आया, आम इंसान जब अदालत की तरफ जाने का सोचता है तो वो सोचता है नहीं भाई वकीलों की बड़ी फीसें हैं, मैंने तो नहीं जाना, मेरी तो सारी जो कमाई है वो वकीलों पे लग जाएगी या फिर यू नो ट्रांसपोर्ट पे और सारा। आप खुद इतने बड़े वकील हैं तो आप इसको कैसे चैलेंज करेंगे और कैसे इंसाफ हासिल करेंगे कि नहीं मुझे इंसाफ ही चाहिए, क्योंकि पहले इतना कुछ हो गया, सबने मुस्तरद किया लेकिन असर कुछ नहीं हुआ पीडीएम को। देखें इंसाफ का तो जहाँ तक ताल्लुक है ये तफ्तीशी अमल होता है। मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा जो वकला का दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा होता है, मेराज होती है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, फर्स्ट राइट टू ऑडियंस, और पहला हक भी उसी का होता है उस मुल्क की हर अदालत में। हर अदालत में जिस मुल्क का अटॉर्नी जनरल होगा पहला इस्तेहकाक हक उस अटॉर्नी जनरल का होता है। मैं उस ओहदे पर रहा हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं सीनियर पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में से हूँ, और इसलिए हमें तो तमाम इन चीज़ों का पता है। लेकिन हम किसी के साथ ज्यादती करना अपना समझते हैं कि हमारे ये वकील बनने के ही असूल के खिलाफ है, क्योंकि हमारा जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें भी यही चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि आईन और कानून से मावरा कोई काम नहीं हम करेंगे। और आज मैं और एतजाज़ अगर हम सिर्फ जो है एक ट्रू मैन आर्मी इस वक्त जो कर रही है ये सिर्फ आईन का दिफा कर रहे हैं, हम कानून के लिए हम खड़े हुए हैं। हम समझते हैं चीफ जस्टिस और अदलिया को मजबूत करना जो है उसी में पाकिस्तान की जो है बेहतरी है और अवाम इसी में जो है फल फूल सकते हैं, हमारा तो ये मिशन है। सो ऐसे में मैं कैसे किसी का नाम ले सकता हूँ? अब जब तक तफ्तीश मेरी तसल्ली के मुताबिक ना हो तो मैं कैसे मान लूँ कि ये जो कुछ उसने पकड़ के एक बंदे को मुझे बताएं। मुलजम कभी ऐसा भी होता है कि मुलजम जो है उठा के तो उसके इकबाल जुर्म करवा के सर उसका दिल दुख गया होगा, उसने सोचा होगा कि शिट मेरे से गलती हो गई, मुझे जाके अपना जुर्म जो है कबूल करना चाहिए ताकि मुझे अगले जहान में सजा ना मिले। अगर इतना ही जमीर जागा हुआ होता है तो वो वारदात ना करता। और बाय द वे उसके उन्होंने जो निकाला है उसके ऊपर 8-10 पहले भी मुकदमात है और उसको बताया गया है कि ये आदि मुजरिम है। तो इतना आदि मुजरिम जो है वो इतना पुख्ता कार होता है कि वो उसको तो मार मार के भुर्जस निकाल दें तो वो करदा जुर्म भी नहीं मानता ना। करदा तो दूर की बात है ना, इसमें तो उस पर शायबा ही नहीं था।
FIR में उसका नाम नहीं है, उसने ये कोशिश की कि मेरा CCTV कैमरा में शक्ल भी ना आए, उसने अपना मुंडासा मारा हुआ है और एक CCTV कैमरे को उसका रुख भी बदला हुआ था जो CCTV कैमरा है, ये उस बंदे का तो हो ही नहीं सकता जो पहुंच में थे, उनकी साइड्स चेंज कर दी। मंसूर लंबा ये वारदात कर ही नहीं सकता कि वो CCTV कैमरे को पहले ही घुमा के मरोड़ के रखे। पाकिस्तान में थोड़ा कैजुअल बोलते हैं तो पता नहीं चलता, आगे क्वेश्चन मार्क अब आइंदा लोगों को लगाना चाहिए अगर वो सवाल पूछ रहे हैं, और एक डॉट डाल देना चाहिए बोलते हुए भी कॉल पे कि भाई हमारी बात यहाँ पर खत्म हो गई है, क्योंकि सर किसी की भी ऑडियो आ सकती है, ऑडियो वीडियोस तो बहुत ही ज्यादा आ रही है। ऑडियो वीडियोस तो सारी मनगढ़ंत आ रही है। ये लतीफ खान ही केस कर रहे हैं, उसमें इन्होंने बड़े बड़े सारे जो हर किस्म के किरदार है ना, जिसका हर किस्म का किरदार है, जो हर किस्म का किरदार खुद है, उसके केस ये कर रहा है। और मतलब आप ये साकिब निसार के बेटे पे जो ऑडियो है मुझे कर रहा है, वो FIA ने, उनकी अपनी एजेंसी ने, हुकूमत की अपनी एजेंसी ने क्या कह दिया, उनका चार तीन चार उनको टेपों को काट काट के तो जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। और आम आवाम भी देख सकती है एकदम से जो है पिच हाई हो जाती है, एकदम से जो है कम हो जाती है, बीच में जो वो आता है डिस्टॉर्शन आ जाती है। तीन चार कॉन्वर्सेशंस को ना तोड़ तोड़ के तो उनको जोड़ा गया है, उसमें ये फोरेंसिक रिपोर्ट आई है कि ये डॉक्टर है, ये इसको जो है इंजीनियर्ड है, और ये कट एंड पेस्ट किया गया है। सर FIA आजकल बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहा है, फॉरेंस ऑडियो के ऊपर इंसानों को उठाया जा रहा है, जो रियल केसेस चल रहे हैं वो केसेस सात सात आठ आठ साल से जो है चलते जा रहे हैं, क्योंकि FIA की जो भी कार्रवाई होती है बहुत पेचीदा होती है, आम थानों से डिफरेंट होती है, तो आवाम को पता नहीं चलता, बेल पीका लगा के बहुत देर लग जाती है, तो इनका किस तरीके से, क्योंकि अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो एक शफाफ और अच्छी जो है इन्वेस्टिगेशन करे, जो नहीं करता उनके साथ और एक क्या क्या किया जा सकता है, मुख्तसर और मखसूस मियाद के दौरान करे, ये नहीं कि 6 साल लगा देता 15 दिन या देखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो आप खसूसन जो मीडिया है जिसका फर्ज है आगही देना आवाम को, और आपको बुनियादी हकूक में भी तहफ़ हासिल है, वैसे तो सारे पाकिस्तानी आवाम को ही तहफ़ हासिल है, लेकिन आपको तो खसूसन चूँकि आपकी ये ड्यूटी है किसी इवेंट को कवर करना, किसी जो है उसको तक फिल्माना, उसको जो है टेप रिकॉर्ड करना, फिर मॉनिटर करके अपने जो चैनल्स को वो खबर भेजना, उसको चलाना लाइव चलाना, तो ये सारा तो फिर आप तो मौजूद हैं, तो आप पर भी बड़ा जो कुछ हुआ है हमने देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है, लिखा भी है, सब कुछ है, आप लोगों ने भी तो चली जान जोखों पर आप भी तो जान की बाजी लगा कर आप, और अभी तक कुछ आपके साफी हजारात ऐसे हैं जो मिसिंग पर्संस में हैं, जिनके साथ ना सिर्फ ज्यादती हुई है, उठाया गया है और आज तक वो उनका पता नहीं है। और इस केस में भी जो हम सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, जो इजाज हसन ने जो पिटीशन की है जिसको मैं वकील हूँ इनका, वहाँ भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि साफी हजरात को, औरतों के लिए, बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं उनकी सारी फहरिस्तें दें, और उनके साथ कोई ऐसा नारवा सलूक नहीं होना चाहिए जो आईन कानून के मावरा हो। देखें दुनिया में हमारी जगह सही हो रही है, हम इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के हमने दस्तखत किए हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी हम दस्तखत किए हुए हैं, हमारे जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ने हमारी जो फेरिस अपना जो दिया है, उन्होंने एक बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया है कि 3 साल में जो मिलिट्री कोर्ट्स के 667 ट्रायल हुए हैं 3 साल के, 2015 से लेकर 18 APS के बाद दिए है। आर्मी पब्लिक स्कूल, हम सारी कौम जो है उस पर जो है बहुत ज़्यादा बरहम थी और हम लोग बहुत मुश्तइल थे, उसमें कोई शायबा नहीं है। और जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि लेकिन उसके लिए भी 21वीं तरमीम करनी पड़ी, 23वीं तरमीम करनी पड़ी, क्योंकि उसमें भी आर्मी ट्रायल का, मिलिट्री ट्रायल की कोई कानून में गुंजाइश नहीं है। यानी मिलिट्री एक्ट 1952 का जो एक्ट है उसमें ये गुंजाइश नहीं थी, हमें आईनी तरामीम करना पड़ी, क्योंकि वो इतना भयानक किस्म का और इतना इश्तियाल अंगेज एक सानहा था
APS का आर्मी पब्लिक स्कूल पे, जो बच्चों को जिस तरह से शहीद किया गया, लेकिन उसमें जो था फर्क ये था कि वो बेरूनी जो दहशतगर्द थे वो एक हमसाया मुल्क की तरफ से आए थे और वो दहशतगर्दों की तंजीम से मुंसलिक थे जिन्होंने आके हमारे स्कूल पर आके गलबा किया, हमला किया और उस असातिज़ा को और टीचर्स को कत्ल किया। तो उस सिलसिले में भी चीफ साहब ने कहा कि देखें इसकी आड़ में, वो तो चले एक तरफ था, गुलू भट्टों की हुकूमत का पैटर्न जरा देखें, यही राणा सनाउल्ला उस वक्त पंजाब के लॉ मिनिस्टर थे, यही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, मॉडल टाउन में उनके घर से इतने फासले पर कि जहां गोली की आवाज आती है अगर गोली वहां चलाई जाए, 12 लोगों को यानी शहीद किया गया, हमला औरत को मारा गया, मुंह में गोलियां मारी गई, गाड़ियां पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह गुल्लू भट्ट स्मैश कर रहा था और उसको थपकी दे रहे थे पुलिस के अफसरान, बकायदा गुल्लू भट्ट को थपकी दे के उसको शाबाशी दे रहे थे, सामने सारी दुनिया ने आपने दिखाया, कैमरे की आंख ने दिखाया, आजकल कोई चीज छुपती नहीं है। और पहला मुल्जिम उसमें राणा सनाउल्ला था नंबर वन, कि खुद मानता है कि हमने मीटिंग की और हमने कहा इनको जो है बैरिकेड्स को खत्म कर दो, ओ भाई अगर तुमने ये हुक्म दिया कि इनको उड़ा दो यहाँ से जो इन्होंने बैरक्स लगाए हैं, इसलिए कि गुस्ताखी हो रही है चीफ मिनिस्टर के मॉडल टाउन में, कैसे इन्होंने जो है वो नाके लगाए हुए हैं मिनहाजुल कुरान के उसमें, तो उसमें जाके तो ये तो खुद इकबाली मुजरिम था इसमें, अब वो है। तो वही पैटर्न मेरे घर पर भी इन्होंने किया, क्योंकि देखें उनका तरीका ही है कि जाओ जाके फायरिंग करो और फिर जो है यू गेट अवे विद इट। आज तक किसी ने पकड़ा है उस केस में, कुछ निकला है उस केस का, कितना शोर शराबा था उस वक्त, आप देखिए मॉडल टाउन के सानहे को, किसी को कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन आपने ईद शो को आपने जो है ना ये मक्सिया बना लिया है, आप खुशी की बात करें इसकी। पाकिस्तान को काफी ज्यादा मदद की जरूरत, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के वकला के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की तमाम सियासत पार्टी, अदलिया के लिए भी कुछ दुआ करो, सीधी खड़ी हो जाए और हौसला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, السلام والسلام عليكم يا رسول الله، السلام والسلام عليكم يا حبيب الله، السلام والسلام عليكم أمة المسلمين، السلام والسلام عليكم على محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراءة طافي البلاء والوباء والقحط والمرض، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى طافي وراء مصباح الظلم جميل الشيام الشفي الأمامي صاحب الجود والكرم والله القاسم وجبريل خاطب والبراق المركب والمعراج صفات وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين ختم النبيين شفي المسلمين أنيس الغاربين رحمة للعالمين رحمة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيرتنا في الدارين صاحبي كاوى قوسين محبوبي رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقالين اب القاسمی محمد ابن عبد اللہ کی نور من نور اللہ جاد مشتاق ہوں بنور جمال ہی صلی علیہ والہ وصحبہ وسلم تسلیما بلغ اللب کمال کشف الدجا بجمال ہی حسن ذمی خصال ہی صلی علیہ والہ اللهم ان نجلک فی نحور کی من اعوذ بک من شر اعوذ بکلمات اللہ التماتی من كل شيطان وحمات ومن كل عين لمات يا حي يا لاج في تيمومات ملكك وبقائه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا الله يا رحمن يا كريم يا غفور يا صبور يا شكور يا خالق يا مالك يا بارئ تعالى يا حليم يا حكيم يا بلو يا آخر يا ماجد يا والد يا حنان يا منان يا حليم يا حكيم
या फताहू या रज़ाकू या शाफी शफा ला ग़ालिबु लिल्लाहि या अल्लाह इन्ना मअल उस्री यस्रा या अल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या अल्लाह रब्बना आतिना दुनिया सर ईद जो है काफी लोगों की खुशियों भरी होगी, कुछ लोगों के अपने जो है उनके साथ मौजूद नहीं है, ईद पे कोई स्पेशल पैगाम देना चाहें अवाम को, किस तरह खुशी? देखो बकरा ईद पे तो मुझे एक ही पैगाम मैं बार बार हर साल देता हूँ जब भी मौका मिले लोगों को, कि खुदा के वास्ते अपने जो जानवर आप दिवा करते हो उनकी आलाइशों का कुछ ध्यान रखो, सड़कों पे पड़ी होती और एक हफ्ते तक वो बदबू और बीमारियां फैला रही होती, इसमें बस ये एक काम कर देना, ये काम और कोई करा दे इससे ये कि वो पहले तो कमेटी जो टाउन कमेटी हो वो उसके लिए जगह मख्सूस करे और सारा शहर या उस इलाके का जिसका के लिए वो जगह बनाइए वो वहाँ जाके वहाँ अपनी आलाइशें उठ वहाँ फेंके और फिर ट्रक हों जो उसको लेके जाए। ये ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है, दुनिया सारी कर लेती है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमने आलाइशें उठा के और हमसाए के दहलीज के बाहर रख देनी और उसने हमारी दहलीज के बाहर रख देनी, तो ये सारी जब फैली हुई है सारे शहर में फिर उनको उठाना मुश्किल हो जाता है। वाकई तो नाजरीन हुकूमत की तरफ से आपको पहली जो फ्री चीज़ मिल रही है ना वो है बैग्स, आप उनसे बैग्स लें, वो लाइशें उसमें डालें और उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। सर क्या कहेंगे आवाम से, कैसे खुशियां मनाएं? देखें मैं तो कहता हूं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और अल्लाह ने कहा है कि कुर्बानी ये उसके लिए है, सुन्नत इब्राहिमी भी है, जो दे सकते हैं ठीक है, लेकिन कुर्बानी देने का मकसद ये है कि उन गरीबों का उन नादार लोगों का खुदा के लिए उनको उन खुशियों में शामिल करो जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो इस लायक नहीं। आज पाकिस्तान के 10 करोड़ आवाम जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे जा चुके हैं। आज आपने देखा कि 300 लोग रोजगार की तलाश में अपनी जानों से गए, वो बेचारे डूब गए कश्ती में। ये शर्म आनी चाहिए हुक्मरान वक्त को। क्या कहा था, दजले के किनारे पर अगर कुत्ता भी मर जाता है तो हाकिम वक्त उमर बाज पुरसी उसकी होगी, हजरत उमर। तो यहाँ 300 लोग मारे गए हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ अपने मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में उनका आपने जीना जो है तंग कर दिया और वो रोजगार के लिए बाहर और यहाँ से जाने क्या क्या बेच कर गए, 20-20 लाख एक एक बंदे ने लिए। और पैथेटिक स्टोरीज आपने सुनी, किसी ने अपनी बीवी के जेब, किसी ने माँ ने जो है दिया, किसी ने अपनी बहन का जहेज लेकर और किस तरह से उन्होंने मजदूरियों में दी। तो मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, ये अशराफिया का जो मुल्क बन चुका है, ये 25 करोड़ गरीब आवाम का मुल्क है, जमहूर को आवाम को उनका हक दो। ये हक के वोट से हमने उनको महरूम कर दिया, हमने उनको असेंबलियां बनाने से महरूम कर दिया, हमने उनको हक के हक हुक्मरानी से महरूम कर दिया, सिर्फ अपनी लालच और इक्तदार को सवालत देने के लिए हमने मुल्क के आईन को तबाह करके रख दिया और हमने जो है तजहीक की है अवाम की। तो खुदारा इस अवाम जिस जमहूरियत की बात करते हो उस जमहूर को इज्जत दो, उस जमहूर को हकूक दो और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान एक सांझी सोच के तहत जो है इसको आगे चलाओ, बजाय इसके कि अशराफिया का मुल्क हो 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान मुल्क होना चाहिए और उनको अवाम को उनके हकूक दो आइन पर अमलदारी करते हुए। आइन और कानून की जिस मुल्क में बालादस्ती नहीं होगी
देखें जुल्म की रियासतें नहीं चलती हैं, जुल्म की फिर चल जाती है, बेइंसाफी की नहीं चल सकती। सो इसलिए बेइंसाफी इस मुल्क में जो है अब हो रही है वो कभी पहले नहीं देखी गई थी। तो इंसाफ होना चाहिए, अवाम को हक होना चाहिए, और ये अशराफिया के मुल्क की बजाय अवाम का मुल्क बनाओ, गरीब आदमी को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर हम सब लोग अपनी ज़ात और इना और ईगो से बाहर निकल कर मुल्क का सोचें, धरती माँ का सोचें और अवाम का सोचें, तो पाकिस्तान को हम खुशहाल बना सकते। बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बीफ या मटन, वो सिर्फ कुर्बानी के दिनों में ही खाते हैं, तो आप भी इंसाफ करें और जो हमारे दीन ने कहा है उसके मुताबिक हिस्से करें, बांटें। और अगर आप दुनियावी तौर पर भी सोचें तो लोड शेडिंग जिस कदर ज्यादा है, गोश्त खराब ही हो रहे हैं, भला करें लोगों का, और जो गोश्त है ज्यादा से ज्यादा बांट दें। सर, आपकी तलावत की तरफ बढ़ेंगे और साथ में जो है एंडिंग पैगाम आपसे। मैसेज इस ईद पे, ये कुर्बानी का क्योंकि होती है ईद, और इसमें मेरा ख्याल है सबसे पहले पूरी कौम को, हमारे तमाम इदारों को, हमारी अदलिया को अपनी अना की कुर्बानी देनी चाहिए, झूठ की कुर्बानी देनी चाहिए, एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने की कुर्बानी देनी चाहिए और एक दूसरे को संभालना चाहिए, तभी पाकिस्तान बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम।